कैथल में आज प्रवेश करेगी एसआरके ग्रुप की यात्रा। जी हां, कांग्रेस की यात्रा के एसआरके ग्रुप के नेता इसमें शामिल हैं। यहां आपको बता दें कि संदेश यात्रा के सुरजेवाला किरण चौधरी और कुमारी सैलजा इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के कई नेता आज इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। कैथल में आज प्रवेश कर रखी है ये यात्रा एसआरके ग्रुप की संदेश यात्रा। सुरजेवाला किरण चौधरी और सैलजा इसमें खास नेता है और कांग्रेस के कई और नेता है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरी है। कैथल में आज ये यात्रा प्रवेश करने वाली है एसआरके ग्रुप की संदेश यात्रा के। सुरजेवाला किरण चौधरी और सैलजा इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के कई नेता भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस की यात्रा है और आपको बता दें एसआरके ग्रुप की यात्रा है। ये यात्रा है जो शुरुआत में ये लग रहा था कि पूरी तरह से गुटबाजी की वजह बनेगी, लेकिन उसके बाद देखिए इस तरह से दिखाया गया कि कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से इस यात्रा को मान्यता दे दी गई। और इसी बीच यात्रा अलग अलग जिलों से गुजरी है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी है, आज कैथल पहुंचेगी। इस यात्रा में सुरजेवाला किरण चौधरी और कुमारी सैलजा तो मौजूद रहेंगे ही, कई और कांग्रेस नेता भी आज इसमें मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस के कई नेता इस यात्रा में शामिल हैं। एक ऐसी यात्रा है जिसको लेकर की कांग्रेसी गुटबाजी को लेकर कहा जा रहा था कि गुटबाजी लगातार जग जाहिर हो रही है और अब इस यात्रा को एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा समर्थन कांग्रेस से मिलना शुरू हो गया है। इसी बीच आज यात्रा पहुंच रही है कैथल और कैथल में कई और कांग्रेस नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के कैथल से संवाददाता मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कांग्रेस की यात्रा जो शुरुआत में लग रहा था कि पूरी तरह से गुटबाजी की एक वजह बनेगी, अब इसे थोड़ी बहुत स्वीकृति कांग्रेस में मिलती भी नजर आ रही है। कैथल में यात्रा को लेकर क्या माहौल नजर आता है, क्या कुछ और नेता भी इसमें शामिल होंगे एसआरके ग्रुप के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए कैथल में आज संदेश जो कांग्रेस की यात्रा है, कैथल अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। शुरुआत अगर यात्रा की करें तो कलैत से इसकी शुरुआत होगी और कलैत के बाद लगभग 2 बजे के आसपास कैथल के पेड़ चौक पर जो यात्रा यहां पर पहुंचेगी और हर एक चौक की अगर हम बात करें, इलाकेबंदी की बात करें, तो पूरे सुरक्षा के घेरे में रखते हुए जो कैथल पुलिस है, पुलिस सतर्क हो चुकी है। हर नाके पर नाकेबंदी की जा रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व यहाँ पर एंट्री ना कर सके। और बात करें तो संदेश यात्रा में तो कांग्रेस के अर्धसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा और किरण चौधरी यहाँ पर रहेंगे और साथ में जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के दीपक, वो भी साथ में रहेंगे। और जो बात बता दें कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, काफी जो उनके अंदर दिखाई दे रहा है, बता दें कि काफी समय से एक ऐसी यात्रा का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहा था और आज उनका इंतजार है वो आज खत्म होने जा रहा है। और एक बारी हजारों की संख्या में जो कांग्रेस की जो संदेश यात्रा है यहाँ पर कैथल में पहुंचेगी और गर्मजोशी के साथ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनका स्वागत भी करेंगे। जी अच्छा, देखिए इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा था कि पूरे हरियाणा में यात्रा जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर इलाके भी हैं हरियाणा के जहां पर हुड्डा ग्रुप का ज्यादा प्रभाव रहता है। ऐसे में क्या हुड्डा ग्रुप के नेताओं की तरफ से किसी तरह की भागीदारी इस यात्रा में नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए एक ऐसी यात्रा है जिसको लेकर लगातार गुटबाजी के सवाल उठते रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की जो कांग्रेस संदेश जो यात्रा शुरू की गई है, इसमें बता दें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी तीनों चलते हैं और अपने जो संदेश है, जो कार्यकर्ताओं को संदेश है और आम पब्लिक को भी जो संदेश देने का काम है, जागरूक करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और बता दें कि इसकी अगर हम बात करें हुड्डा ग्रुप की या बात करें तो बदलाव को लेकर ही जो यात्रा आई है निकाली जा रही है ताकि जो कार्यकर्ता है उनको संदेश जो इन तक जो संदेश है पहुंच सके और जो सरकार का जो बदलाव को लेकर जो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, तो उसको बदलाव को लेकर भी जो तैयारियां है कांग्रेस द्वारा वो की जा रही है। बता दें कि हर जिले में अलग अलग तरह की जो यात्राएं हैं वो यहाँ अलग अलग पहुंच रही है। इसके बाद बात करें तो शुरुआत कलैत के मंडी से होगी, उसके बाद कैथल में होगी, तो लगभग 3 जगह कैथल के अंदर इस कार्यक्रम को रखा गया है। उधम सिंह जो किला है वहां पर जो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी है वहां पर पब्लिक को, जनता को वो संबोधित करेंगे और जो बीजेपी सरकार में जो भी
जो गेंदे का काम है संदीप सुरजेवाला द्वारा किया जाएगा। जी चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कांग्रेस की संदेश यात्रा है, एसआरके ग्रुप की यात्रा है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रखी है।